और भाई लोग, दिवाली कैसी रही? सबकी अच्छी होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक है, और अच्छी होनी चाहिए। तो भाई आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले भी एक टॉपिक पे बात की है, COD वर्सेस PUBG मोबाइल का ये जो चक्कर चल रहा था, उस पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, आपने समझा टॉपिक को, ठीक है। तो आज मैं वैसे ही एक टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि भाई मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और आपके सामने लाना है ये टॉपिक, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले कि भाई क्या चल रहा है अभी। तो भाई ये टॉपिक है कि क्या COD मोबाइल जो वॉरजोन आने वाली है, या क्या एपेक्स लेजेंड्स जो आने वाली है, जो नई गेम्स आने वाली है, क्या वो इंडिया के मार्केट में टक्कर देगी PUBG मोबाइल को या नहीं देगी, ठीक है। वो अभी मैं बताता हूँ आपको कि मैंने वीडियो क्यों लाई है। देखो भाई, PUBG बैन होने के बाद काफ़ी गेमर्स जो थे वो बाकी सारी गेम्स पे शिफ्ट हुए, कुछ लोग COD पे आए, जैसे कि मैं भी COD पे आया, ठीक है, और बाकी गेमर्स भी अलग अलग गेमों पे लग गए, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ज़बरदस्ती किसी को भी मैं COD मोबाइल, भाई तू COD मोबाइल खेल, तू COD मोबाइल खेल, कोई और गेम नहीं खेली। मैं कह रहा हूँ बाकी लोग भी बाकी गेम्स खेल रहे हैं, लेकिन भाई मैंने इन दिनों में क्या देखा कि जो स्ट्रीमर्स थे ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई फिर कुछ लोग आके बोलेंगे तो उनका नाम यूज़ करके चैनल ग्रो कर रहा है, मैं वो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। वो स्ट्रीमर्स, दो तीन स्ट्रीमर्स थे, वो क्या कर रहे थे, जब भी COD मोबाइल में कोई अपडेट आ रहा था, ठीक है, या कोई एनिवर्सरी अपडेट था, या कोई कुछ भी था, जैसे दिवाली थी, वो उन्होंने दिवाली के ऊपर भी एक स्ट्रीम की सिर्फ COD मोबाइल की। तो यार पहले मेरे को लगा यार अच्छा है, ये COD मोबाइल पे शिफ्ट हो गए, COD की स्ट्रीम कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भाई हम कंटिन्यू रखेंगे ये गेम। लेकिन भाई फिर उसके बाद वो एक दिन खेलते थे, उसके बाद वो 4-5 दिन के बाद कोई जब नया अपडेट आता था तभी वो खेलते थे, वरना बिल्कुल नहीं खेलनी थी उन्होंने वो गेम। तो भाई देखो, मैं एक यूट्यूबर की तरह नहीं वीडियो डालता हूँ, मैं एक ऑडियंस की तरह वीडियो डालता हूँ। मुझे पता है भाई ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, क्या करना चाहिए, और भाई हमेशा सही रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए और सच रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा था भाई काफ़ी दिनों से वो बंदे बोल रहे हैं कि हम रेगुलर स्ट्रीम करेंगे, बट वो नहीं कर रहे थे, और उसके बाद वो भाई एक ही गेम सिर्फ तभी खेलते थे जब अपडेट आता था या कोई भी एनिवर्सरी चीज़ होती थी जो, और वो स्पॉन्सर्ड होती थी मुझे, मेरे हिसाब से तो शायद, मेरे को पता नहीं है पूरा, लेकिन भाई जब भी वो गेम खेलते थे वो तीनों स्ट्रीमर्स एक ही दिन पे, एक ही टाइम पे वो गेम खेलते थे, वरना उसके बाद तो वो गेम कभी खेलेंगे नहीं यार। तो इसीलिए मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या COD मोबाइल वॉरजोन के साथ भी यही होने वाला है, मतलब वो सिर्फ स्पॉन्सर्ड ही खेलेंगे लोग? क्योंकि भाई देखो, अब PUBG अनबैन होने वाली है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। कोई भी गेम भाई बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई गेम एंटरटेनमेंट का सोर्स होता है, फन मज़ा आता है उसमें खेलने में, तो भाई नहीं होनी चाहिए बैन। लेकिन अब PUBG मोबाइल आ रही है, ठीक है, लोग PUBG मोबाइल का वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वेट कर रहे हैं COD मोबाइल वॉरजोन का आने का, और भाई कुछ लोग हैं जो एपेक्स लेजेंड का आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल के वर्जन जो आने वाला है उसका वेट कर रहे हैं। तो क्या भाई यही सीन उनके साथ भी होगा? क्योंकि जो PUBG के जो बंदे जो PUBG खेलते हैं, अनबैन जिनकी होने वाली है, ठीक है, वो तो PUBG पे शिफ्ट हो जाएंगे वापस जाके, क्योंकि उसके बाद तो वो कोई और गेम खेलेंगे नहीं, ठीक है। जो कॉमन बंदा होता है भाई, देखो एक ही गेम खेली जा सकती है एक टाइम पे, ठीक है, तुम दो FPS गेम्स नहीं खेल सकते हो, क्योंकि दोनों गेम्स का अलग मैकेनिज्म होता है। अगर मैं अभी COD मोबाइल खेल रहा हूँ और मैं PUBG मोबाइल साथ में खेलूँगा, तो भाई दोनों में से किसी एक गेम में मैं बुरा खेलूँगा, ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है, तुम दो नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते हो। तो भाई उनको तो किसी एक ही गेम पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो क्या वॉरजोन मोबाइल का भी यही हाल हो जाएगा कि कोई उसको नहीं खेलेगा, सिर्फ स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम्स होगी उसकी, ठीक है। भाई अगर आपको यही लगता है कि यही होने वाला है तो मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि भाई ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि भाई देखो अब PUBG भी अनबैन होगी, लोग PUBG ही खेलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई वो छोड़ने वाले तो है नहीं उसको। आपको पता है जब PUBG मोबाइल का बैन हुआ था कितना क्रेज़ हो गया था, लोगों को क्या बोल रहे थे, मतलब ये वो उल्टा उल्टा कुछ भी बोल रहे थे। तो क्या भाई COD मोबाइल वॉरजोन नहीं खेली जाएगी, या क्या उसको टक्कर देगी? भाई देखो, मेरे हिसाब से COD मोबाइल वॉरजोन तो ज़बरदस्त गेम है भाई, उसमें वो सब चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि COD मोबाइल वॉरजोन क्यों सबसे बेस्ट है। और मेरी नज़र में जो COD मोबाइल वाली कम्युनिटी है ना, वो ज़रूर से ज़रूर COD वॉरजोन खेलेगी, और भाई खेलेगी क्या, मचा देगी उस पर। क्योंकि देखो, COD मोबाइल और COD वॉरजोन जो है ना ऑलमोस्ट सेम है, बट उसमें COD मोबाइल से ज़्यादा और चीज़ें भी ऐड हैं, जैसे कि आप अगर पैराशूट से लैंड करते हो तो आप अपना पैराशूट बीच में कट करके, आपके पास एक पिस्टल होगी, आप वो पिस्टल भी यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे, अगर आपके सामने कोई बंदा होगा पैराशूट में लैंड कर रहा होगा उसको आप वहाँ से मार सकते हो, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें मैं आपको इसमें नहीं बताऊँगा, वो मैं नई वीडियो
वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी ऐसी भाई ये चीज़ आप जो मैंने अभी आपको बताई है ना, आप यही चीज़ सोच लो अगर ये चीज़ है तो कितनी कूल है ये चीज़, ठीक है। और सीओडी मोबाइल वाले ये ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको ज़रूर खेलेंगे, बट पबजी मोबाइल वाले इसको नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई देखो इस गेम का बिल्कुल अलग मैकेनिज्म है। अगर पबजी वालों ने सीओडी मोबाइल नहीं ट्राई की, उनको ये बेकार गेम लगी, क्योंकि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है भाई, इसको समझने के लिए 1-2 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए इस गेम को ट्राई नहीं की, मैं आज आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ये गेम अभी तक समझ ही नहीं आई। तो ये भी एक रीज़न है कि पबजी मोबाइल वाले जो हैं वो सीओडी मोबाइल नहीं खेलते, तो इसीलिए भाई वो मुझे नहीं लगता कि वॉरजोन भी खेलेंगे। बट भाई कोई बात नहीं, मैं वॉरजोन खेलूंगा भाई, और तुम्हें भी दिखाऊंगा भाई कैसी गेम है जब सीओडी ये वॉरजोन मोबाइल आएगी, लॉन्च होगी यहाँ पे, मैं भाई उस पर पक्का से शिफ्ट होऊंगा और सीओडी मोबाइल पे भी खेलूंगा, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म है। और भाई सीओडी वॉरजोन तो मैं पक्का से खेलूंगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए, और मैं चाहता हूँ कि भाई हर गेम को ट्राई करूँ और हर गेम में सही बनूँ, ठीक है। तो भाई इस चीज़ में मज़ा है भाई, एक ही गेम के लिए मैं पीछे नहीं बैठूंगा, मैं हर गेम ट्राई करूंगा, बस भाई आपको एक सपोर्ट दिखाना है मेरे को, ठीक है। बाकी कोई चीज़ की टेंशन नहीं, मैं हर गेम ट्राई करूंगा और हर गेम खेलूंगा, ठीक है ना, जैसे कि मैं खेलता हूं। और भाई अपना ये सीन नहीं है कि बार बार एक गेम नहीं खेलनी, हम भाई 1 साल देंगे पूरा एक गेम को, जब उसको कम्प्लीटली हम समझ जाएंगे, ठीक है, तब उस गेम को हम चेंज करके दूसरी गेम पर शिफ्ट होंगे, क्योंकि भाई ऐसे आधी गेम छोड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो भाई जिन बंदों को ये वीडियो समझ आई ना, लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नहीं हो, क्योंकि मैं सीओडी मोबाइल की नई नई वीडियोस लाता हूँ और चैलेंजेस वाली वीडियोस लाता हूँ, उनको भी आप देखो। और जिन बंदों को भाई वीडियो नहीं समझ आई है, तो आपने ज़रूर से स्किप कर करके वीडियो देखी है, तो एक बार अच्छे से स्टार्टिंग से वीडियो देख लो, आपको पक्का से समझ आ जाएगी, ठीक है। और भाई आप भी लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।